ओके मिनट्स मैम। अभी क्लास शुरू करेंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा था फिल्म? यस मैम। गुड। ना आप लोगों ने शेखीबाज मक्खी पढ़ लिया था, है ना? यस मैम। वेरी यस मैम। गुड। गुड। मैम आज डेट क्या है? आज 18 है बेटा, आज 18 है ना? नाच रहती हाँ, मैम। आप हिंदी की रीडिंग करानी पड़ी थी ना? अभी अभी हमारा टाइम है ना बेटा, ये भी 1 मिनट और है अभी। वो 1 मिनट में हम फिर क्लास ओमकार से क्लास शुरू करेंगे और फिर रीडिंग करवाएंगे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, एक बात ध्यान रखिएगा कि रीडिंग, हर एक पार्ट का रीडिंग अलग अलग बच्चे करेंगे। ऐसा नहीं कि आज ही सारे बच्चे करेंगे, ठीक है? मैं रोल नंबर से आज रीडिंग करवाऊंगी, जितना पार्ट रीड हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट जो रहेंगे बच्चे वो नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग करेंगे। और भी हम एक आपको बात बताना चाह रहे थे कि हमने आपको वेनसडे को भी एक इनविटेशन भेजा था, वही इनविटेशन रेगुलर आपका रहेगा, आपको अलग से आपको इनविटेशन नहीं भेजा जाएगा। फ्राइडे और वेनसडे को वही जो वेनसडे वाला है वो वेनसडे को रिपीट होगा, और फ्राइडे वाला है वो फ्राइडे को रिपीट होगा, ठीक है? ओके। अब आपको बार बार इनविटेशन नहीं भेजा जाएगा, वही रेगुलर वही इनविटेशन आपको फॉलो करना है, ठीक है? चलिए, हमारा टाइम हो गया तो हम ओंकार से क्लास शुरू करते हैं। जोने हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्टार्ट ओंकार। आपका स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, ओके? आज आपका स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, अभी उसमें चैप्टर आएगा, आप लोग रीड करेंगे। मैं बोलती जाऊंगी, जिस बच्चे का मैं नाम लूंगी वो बच्चा रीड करेगा, ओके? जिस बच्चे का मैं नाम लूंगी वो बच्चा रीड करेगा, और सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब ध्यान से सुनेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, उसकी एक्सरसाइज कर पाएंगे, ओके? बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी उसकी एक्सरसाइज कर पाएंगे आप, ठीक है? और जिसका मैं नाम लूंगी, यदि वो क्लास में नहीं होगा तो मैं फिर दूसरे बच्चे का नाम बोल दूंगी, ठीक है ना? ओके ओके मैम। चलो ओके मैम, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना बेटा अपना? यस मैम। मैं फुल स्क्रीन कर। अच्छा, अब एक बार भगना, फुल स्क्रीन मैंने कर दिया है, ओके? अब एक बात का ध्यान रखना, जो बच्चा भी पढ़ेगा इसको, ठीक है, जो बच्चा भी इसको पढ़ेगा वो क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा, जैसे वो एक कहानी सुना रहा है, ओके? कैसे पढ़ेगा, जैसे बहुत अच्छी, एक था जंगल। अरे भाई कौन बोल रहा है ये? शेर भोजन करके। सारे बच्चे अपना माइक ऑफ करो, सारे बच्चे अपना माइक ऑफ करो। चलिए,
आप सबसे पहले हम नाम ले रहे हैं अभिराज। अभिराज क्लास में है? सायरन अभिराज मैम अभिराज तो कभी ज्वाइन करता है ही नहीं। ओके चलिए। आदित्य, आदित्य क्लास में है? मैम दो है क्लास मैम, आदित्य दुर्वे भी है एक और। हाँ तो आदित्य दुर्वे नो मैम, वो तो है नहीं, वो तो कभी ज्वाइन करता है ही नहीं। अच्छा बस नहीं, इतना नहीं बोलना है बेटा, इतना नहीं बोलना है, बस इतना बताना वो क्लास में नहीं है। आदित्य शर्मा, क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंट होने के बाद मुझे बच्चे नहीं दिखते ना इसलिए। मैम शर्मा नहीं, साहिल। आदित्य साहिल, चलिए मैम। आदित्य साहिल है क्या क्लास में? यस मैम। चलिए गुड, आप पढ़ना शुरू करिए। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। ने में एक मक्खी उड़ती थी वहां आ पहुंची। शेर ने दो तीन दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने शेर को बहुत मुश्किल। आदित्य बस यहाँ तक, ओके आदित्य बस यहाँ तक करना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट अनन्या क्लास में है क्या? अनन्या चलिए आप शुरू करिए। आदित्य ने कहाँ छोड़ा है वहां से आप शुरू करिए। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनन्या आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। अनन्या आपको आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है कि आपका बेटा कुछ नेटवर्क इशू हो। अन्या नेक्स्ट, अन्या। यस मैम। अन्या आप शुरू करो यहाँ से, शायद हो सकता है अनन्या का कुछ नेटवर्क इश्यू है, इसकी आवाज नहीं आ रही है। अन्या आप शुरू करो। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, उसने पंजा उठाया, मक्खी उठ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। अन्या बस यहाँ पर गुस्सा आया, ओके। अब अगला है आरव, नहीं होगा क्लास में मुझे जहाँ तक है। मैम है वो, मैम पिछली क्लास में था आरव, मैम पिछली क्लास में था आरव। आरव क्लास में है आप बेटा? यस मैम है। ओके मैम रीड करना शुरू करिए। मैम मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। कोई बात नहीं, आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है? ओके चलिए कोई बात नहीं। दक्ष, दक्ष है क्लास में? यस मैम। चलिए दक्ष आप स्टार्ट करिए रीड करना। वह नहीं, वह 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 दहाड़ा और मक्खी और नहीं अरे अरे मक्खी अरे मक्खी तू हट हट बनना तुझे अभी अभी जान से मार डालूं का। ठीक है अब देखो दक्ष एक बात सुनो, आपको रीडिंग की बहुत जरूरत है। आपने रीडिंग नहीं की थी क्या समर वेकेशन में बेटा? मैम की थी मैंने, लेकिन आपको थोड़ी और भी जरूरत है बेटा। आप बहुत स्लो रीड कर पाते हैं, थर्ड में आने के बाद बेटा इतना स्लो रीड नहीं करना है, थोड़ा फास्ट करना है, ओके? मैं बोलूं। दिव्यांशी क्लास में है क्या?
यस मैम। ओके चलिए। यस मैम। आप पढ़ना शुरू करो। मक्की ने धीरे से कहा, छी छी जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा नहीं देती। शेर शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो। बस बस। अच्छा ये कर दो, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। चलिए नेक्स्ट। अभी अच्छा नेक्स्ट। गतिक क्लास में है? गतिक यस मैम। ओके शुरू करो। दिव्यांशी की रीडिंग अच्छी है। गतिक शुरू करिए आप। गति रीडिंग शुरू करो बेटा। मक्खी बोली। गति मक्खी बोली गति मेरी आवाज सुनो बेटा। पहले आपके माइक से और साउंड आ रहा है, प्लीज उसको थोड़ा स्टॉप करो। टीवी चल रही है क्या? उसको स्टॉप करके बेटा आप रीडिंग करो। चलो आप करो रीडिंग गति। सायरंग गतिक आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस मैम। चलिए करना शुरू करिए, रीडिंग करना शुरू करो बेटा। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ, हिम्मत हो तो आ जाओ। ओके बस यहाँ तक ही पढ़ना है। अगला है क्लास में कनिष्का। जय कनिष्का। यस मैम। चलिए गतिक के बाद एक और आता है, जय। तो जय जय है क्या क्लास में? यस मैम। जय जय आप मेरी अम्मा सुन रहे हैं बेटा? यस मैम। हाँ चलिए आप पढ़ना शुरू करिए बेटा। शेर आगे बिल हो उठा, उसने का कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़ गई कर शेर की नाक पर बैठ गई, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। ठीक है बेटा बस जया यहाँ तक। लेकिन जया आपको रीडिंग की प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है ना। थर्ड में आने के बाद आप बहुत स्लो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रीडिंग कर पा रहे हैं आप, बहुत और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए अब आ जाता है कनिष्का। कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से पढ़ना है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती है, यहाँ से पढ़ना है। कनिष्का यस मैम। पढ़िए आप, आपके पास बुक है? यस मैम। ओके चलिए तो आप बुक में से पढ़िए। बुक आपको इसमें नहीं दिख रहा है तो आप इसमें पढ़िए। दूसरे पेज पे है। अब ये तो मेरे सामने है, यहाँ पर देखिए। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर
तो कभी गर्दन पर, फिर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती, अंत बस में बस बस शेर। यहीं तक बस यहीं तक करना है। ओके अब नेक्स्ट आएगा कर्णिका। यस मैम। चलिए कर्णिका। हाँ बस शुरू करो। अंत में शेर उब गया, थक शेर नहीं गया। बेटा, अंत शेर है। शेर, शाह का प्रोनाउंसिएशन क्लियर करो आप। शेर है वो, ठीक है। में शेर उब गया, थक गया। बह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। मैंने मैंने बस अच्छा यहीं तक रहने दो। कर्णिका बेटा थोड़ा सा आपको मात्राओं में, जैसे उब गया नहीं था, बड़ा उ था, ऊब गया, शर्ण है, शेर, इस तरीके का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैम। है प्रतिका झा। प्रतिका यस मैम। चलिए शुरू करेंगे आप। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। बस बस यहीं तक, यहीं तक है। फिर है कियांशी। कियांशी क्लास में है। चलिए कियांशी, कियांशी आप रीडिंग करना शुरू करें। कियांशी हाँ प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही बूढ़ी ने आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से बेटा। नहीं आप ठीक से करें, हो सकता है। मैं आप ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास तक, इसलिए बोल रही हूँ। देखा लोमड़ी आवाज ही नहीं आ रही बेटा आपकी बिल्कुल भी। जब आप जोर से बोलो थोड़ा तो आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। मुस्कुराने लगी। इतने में पक्षी मेरे लोमड़ी से ठीक है, बस ठीक है, बस यहीं तक रहने दो अपनी का। अंशी ओके। अगला नंबर है नेहा। नेहा क्लास में है क्या? नो मैम, वो तो ज्वाइन करती है ही नहीं। यस चलो ओजस। चलिए स्टार्ट मैम। करिए ओके मैम। ओजस। अरे आओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल कर हाथी को भी हरा दिया है। विशाल काय। चलो बस ठीक है। अब अगला है प्रद्योत। यस मैम। चलो नेक्स्ट आप पढ़ो। मकड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो आपका जीवन, धन्य हो वो नहीं है, आपके है, धनी माता है। बस यहाँ पिता। तक ठीक है, ठीक है बस।
माता पिता तक ही ठीक है, मुझे बस ये देखना है कि कितने बच्चे रीड कर पा रहे हैं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट है प्रनील, प्रनील क्लास में है? ओके मैं, हाँ मैं हूँ। हाँ चलिए प्रनील पढ़ना शुरू करो। लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। हाँ बस ठीक है ओके। पूर्वांश क्लास में है? यहाँ सुनकर मक्खी गुस्से से लाल उठी। प्रनील बेटा मैं बोल रही हूँ, पूर्वांश क्लास में है क्या? यस मैम। चलिए पूर्वांश पढ़िए आप। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। बस प्रवांश यहीं तक, आपका बहुत अच्छा है रीडिंग का, एकदम स्पीड है आपका। प्रतिज्ञा है क्लास में? नो मैम, वो तो कभी ज्वाइन करती है ही नहीं। ओके ओजस को सबकी खबर है, भेजती है। ओजस को सबकी खबर है, गुड वेरी गुड ओजस। राम, राम क्लास में है? इसलिए बोलता हूँ बीच में तेरी क्लास खत्म हो जाती है, बंद ही तो कर दिया था। शटडाउन कर दिया, शटडाउन ये किसी बच्चे का माइक ऑन है, वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, प्लीज। राम चलिए रीडिंग करो। राम यस मैम, रीडिंग करो बेटा। राम आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो रीडिंग करना शुरू करो बेटा, रीडिंग शुरू करो। बेटा यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से करना, ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की ओ। आप लोग अपनी बुक खोल के नहीं रखते हो जब दूसरे बच्चा रीडिंग कर रहा होता है कि कहाँ कर रहा है? रितेश चलिए आप रीडिंग करिए, क्या आवाज नहीं आ रही है जवाब। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की त्यों त्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। समर्थ क्लास में है? यस मैम। चलिए आप रीड करिए। मैम 10 पेज में कहां से रीड करना है? यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई। यस मैम। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कराती हुए बाहर से चलती बनी। एक सॉरी एक लास्ट था, ठीक है कोई नहीं। अब इसमें से समर्थ आज है क्लास में? समर्थ यस मैम। अच्छा आप भी क्लास में हैं, आपकी रीडिंग नहीं हुई है, क्लास में तो थे लेकिन रीडिंग नहीं हुई है। शिवांश की नहीं हुई है, सूर्य प्रताप की नहीं हुई है, यशी की नहीं होगी, योगांश नहीं, ये चार पांच बच्चे रह गए। ठीक है मैं आपको नेक्स्ट उसमें करवाऊंगी, नेक्स्ट उसमें आपका रीडिंग होगा, जब नेक्स्ट लेसन आएगा तब आपकी रीडिंग होगी। अब देखिए आप सब बच्चों ने रीडिंग की, बहुत ही अच्छी रीडिंग की, बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस की जरूरत है, ये मैंने बता दिया था उसी समय जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन देखो
रीडिंग करने का तरीका मैं सिखाती हूँ, कैसे रीडिंग करना है। देखिए मैं थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि एक स्टोरी है और स्टोरी को कैसे रीड करना है वो आपको देखिए कैसे करना है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने क्या किया था, शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, उसने पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के पास कान के पास भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया, उसने कहा एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या करूंगी, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मैम आई एम सेफ। क्या शेर सेम आपके जैसी रीडिंग करते शेर गुस्से शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया, जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी, उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गर्दन पर, शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, अच्छा कौन से बच्चे हैं जो माइक ऑन करके बैठे हुए हैं। मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा तुम जीती बस। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गालियां दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। मक्खी बोली, मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी, कर देती हूँ। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने का ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों तो और अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो ये मतलब आपको रीड करना है इस तरीके से करना होगा, ठीक है। अब चलो हम शुरू करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज। कैसी लगी कहानी, है ना मैम? अच्छी अच्छी। आप देखिए मैम अच्छी, मैम अच्छी, मैम अच्छी, गुड मैम, अच्छी, बहुत अच्छी, मैम अच्छी। अच्छा देखो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बार बार आंसर कर रहे हैं। हमने बोला है ना एक बार आंसर करना है, एक बार ही आंसर करना है, बोलना सबको है लेकिन आंसर अब बार बार नहीं।
मैम। अब पहला प्रश्न आपका है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? ये सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुन लेंगे, जब तक मेरा प्रश्न कंप्लीट नहीं होता कोई भी आंसर नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो तुम्हें कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों, ये सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, सबका अपना अपना होगा। अच्छा, इसमें से मैं अभी पूछूंगी जिससे पूछना है मुझे, क्योंकि कहानी तो इसने भी सुना था। समर्थ, yes, समर्थ आप मुझे सुना? ओके, चलिए समर्थ आंसर दीजिए। मैम मुझे हाथी अच्छा लगा। क्यों लगा अच्छा? क्योंकि उसने मक्खी को प्रणाम किया, उसने बोला किसके इससे फालतू में बहस करना क्या क्यों करे, इसलिए मतलब हाथी सबसे अच्छा लगा आपको, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मूर्ख इंसान के मुंह नहीं लगना चाहिए और उनसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। गुड, वेरी गुड। चलिए अब अगला प्रश्न। अब सबके बच्चों का अपना अपना अलग अलग हो सकता है, ये क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे का अपना अपना अलग हो सकता है, लेकिन हर एक बच्चे को कॉपी में लिखते समय कारण भी बताना पड़ेगा कि इसको वो क्यों अच्छा लगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो मैं ये शिवांश क्लास में है? यस मैम। हाँ, देखिए कहानी को लेखक ने वहीं पर छोड़ दिया, कहाँ पर, कि मक्खी जाले में फंस गई और वो निकलने का कोशिश कर रही थी और लोमड़ी वहां से चली गई मुस्कुराते हुए। अब मक्खी तो जाले में फंस गई थी, अब जाल में फंसने के बाद आगे क्या हुआ होगा? मैं आंसर शिवांश से पूछ रही हूँ, केवल शिवांश, जिसका नाम वहीं मर गई होगी। ओके, आपको लगता है कि मक्खी थक के वहीं पर मर गई होगी? हाँ मैम। क्या और मक्खी भी खा सकती है? मकड़ी ने भी खा लिया होगा। चलिए ये आपका एक हो गया, और आप इमेजिन करो कि क्या और कोई बात हो सकती थी, सोचो थोड़ा। अच्छा, और कोई बात नहीं हो सकती थी। चलिए सूर्य प्रताप हो सकती थी, मैं अभी जिससे बोलूंगी वही आंसर करेगा। सूर्य प्रताप, yes, मैम। सूर्य प्रताप हाँ बोलो, क्या इसके अलावा भी कोई और काम हो सकता था, और इसमें कहानी में कुछ और भी हो सकता था, अलग हो सकता था मकड़ी जाले में फंसने के बाद मक्खी का, कुछ और भी हो सकता था? yes, मैम। क्या हो सकता था बताओ? निकल निकल सकती थी। कैसे कैसे निकल सकती थी, कुछ आपके मन में कुछ आ रहा है कि निकल सकती थी तो कैसे निकल सकती थी? आवाज यशी, यशी आप मुझे सुन रहे हैं बेटा? यशी आप सुन रहे हैं? यस मैम। हाँ बताइए यशी, मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई थी, तो एक बच्चे ने बोला कि मतलब वो थक गई होगी वही मर गई होगी या मकड़ी ने खा लिया होगा, दूसरे ने बोला वो बाहर निकल सकती थी, तो कैसे निकल सकती थी, आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते मैम? मकड़ी ने उसे खा लिया होगा। ये कौन बोला? उसने आंसर दिया ये? मैं यशी से आप पूछ रही हूँ। यशी मैम कनिष्का ने दिया? नहीं, गलत बात है बेटा, मैंने स्क्रीन को प्रेजेंट किया हुआ है तो आप ऐसे नहीं करेंगे बेटा, ठीक है ना? आप स्क्रीन प्रेजेंट होती है तब आप लोग मुझे दिखते नहीं है, मैं यहाँ लिस्ट से आप लोगों का नाम बोलती हूँ, सब बच्चों को मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना? अभी आपने स्टोरी पढ़ी ना, कितनी अच्छी स्टोरी है, उसमें कितनी अच्छी बात बताई गई है ना, तो हमें स्टोरी केवल पढ़ना नहीं है, उससे हमें सीखना भी है,
ये कौन है बच्चा जो रो रहा है? ये कौन बच्चा रो रहा है बेटा? गतिक मैम, गतिक। गतिक क्यों रो रहा है बेटा? गतिक क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो आप? एक सेकंड। मैं नहीं रो रहा। तो कौन रो रहा था? चलिए ठीक है, मैं। योगांशिनी, यस मैम। आप बताओ कहानी में कुछ और आगे हुआ होगा क्या? मैम कहा, मैम मक्खी को सबक सीख जाना चाहिए था। हाँ, मक्खी को सबक मिल गया होगा, है ना? मक्खी को सबक मिला होगा कि हम जब दूसरों को परेशान करते हैं तो कभी ना कभी, कल हमने बताया था ना, अपने क्रोध में, अपने घमंड में हम गलत जगह भी फंस सकते हैं। हम क्या करते हैं, जब क्रोध होता है हमें तो हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, और हमें घमंड होता है तो हम सोचते हैं कि हम ही ताकतवर हैं, तो ऐसा नहीं है। हमसे भी कोई शक्तिशाली हो सकता है, चाहे भले ही वो हमसे छोटा हो, ये जरूरी नहीं है कि वो ताकतवर हो, हमसे बड़ा हो, छोटा भी होगा, लेकिन जब हम घमंड में भर जाते हैं और हमको क्रोध होता है तो हमारा, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है और 100% हम कभी कभी गलती कर बैठते हैं। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, और हमें कभी दूसरों को सताना भी नहीं चाहिए। चलिए अब अगला हमारा है प्रश्न, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी को और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता उसका क्या क्या नाम हो सकते थे? जैसे शेखी वाल मक्खी है ना, यदि लोमड़ी को सोच के रखा जाता नाम पाठ का तो क्या रखा जाता? हम प्रश्न करेंगे आदित्य। मैम शेखी, यस मैम। हाँ बोलो, क्या नाम होता यदि लोमड़ी को रखे लिखा जाता? शेखी लोमड़ी, शेखी बाज लोमड़ी। शेखी बाज तो मक्खी थी, शेखी बाज लोमड़ी नहीं थी। मैम मैं बताऊं, दक्ष, मैं बताऊं, दक्ष है लोमड़ी, दक्ष है आप, मैं दक्ष से बात कर रही हूँ। दक्ष आप क्या नाम रखा जाता यदि लोमड़ी को सोचकर रखा जाता तो? लोमड़ी को सोच के रखा जाता तो क्या नाम होता पाठ का? नाम घमंडी लोमड़ी, घमंडी मंडी, घमंडी, घमंडी लोमड़ी, घमंडी मक्खी, घमंडी मक्खी नहीं, मक्खी को दिव्यांशी, आप दिव्यांशी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, बोलो। यस मैम। लोमड़ी को यदि सोचकर नाम रखा जाता पाठ का तो पाठ का नाम क्या होता? घमंडी लोमड़ी। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा, चलिए गति आप बताएंगे। यस मैम। हाँ गति बोलो बेटा, बीच में नहीं बोलना है, सबका नंबर आएगा, हर एक हो सकता है कि आपके, जब कोई बच्चा नहीं बताएगा तो आपको मौका मिल जाएगा बेटा, रोल नंबर से चलने दो, जिससे गड़बड़ नहीं होगी, फिर सारे माइक ऑन एक साथ नहीं होंगे, आपको भी समझ आएगा। और देखो ये सब बार बार बोलने में भी समय खराब होता है ना, मैं बार बार आपको ये बोलती हूँ आपका नंबर आएगा, एक दो मिनट इसमें भी खराब हो जाता है ना। चलिए गति, यस हाँ गतिक बोलो। यस मैम। बोलो बेटा गतिक, क्या नाम हो सकता था लोमड़ी को सोच के रखा जाएगा? चलिए ठीक है आगे बढ़ो। जया आगे, सबको जो सबको सोच कर रखना है, जैसे ही नंबर आता है वैसे ही फटाफट बताना है आंसर। जया क्या नाम होता लोमड़ी को सोच कर रखा जाता तो? नहीं पता। कनिष्का, यस मैम। क्या नाम होता यदि लोमड़ी को सोच कर रखा जाता तो? मैम आप थर्ड क्वेश्चन का पूछ रही हैं?
हाँ थर्ड क्वेश्चन का पूछ रही हूँ, कहाँ थे आप? थर्ड क्वेश्चन पे। मैम मुझे पता नहीं है। अच्छा करनी कहाँ, नेक्स्ट करनी कहाँ? मैम चालाक लोमड़ी। गुड, चालाक लोमड़ी। लोमड़ी चालाक थी, उसने मक्खी को सबक सिखा दिया, उसने मक्खी को सबक सिखा दिया, चालाक थी लोमड़ी। अच्छा अब आता है अगला, नेहा। नेहा भी नहीं, ओजस। ओजस यदि शेर का नाम, शेर को ध्यान में रखकर पाठ का नाम दिया जाता तो क्या नाम हो सकता था? मैं मुझे पता नहीं। ओके प्रद्योत आप बताएंगे? यस मैम। यदि पाठ का नाम जैसे लोमड़ी का सोचा तो लोमड़ी मतलब चालाक लोमड़ी, यदि शेर को ध्यान में रखकर पाठ का नाम दिया जाता तो क्या नाम हो सकता था? मैम खतरनाक शेर। खतरनाक शेर, ओके। पाठ से तो थोड़ा संबंधित नहीं हो रहा है ये, पाठ से संबंधित होना चाहिए क्योंकि खतरनाक शेर थे तो उस शेर में क्या? मैम चालाक शेर। नहीं नहीं देखो जिसका नाम बोलेंगे, जिसका नाम है उसे बोलने दो, मैं नहीं सुनूंगी। प्रनील, 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 आपने हमारा नाम नहीं बोलेंगे। प्रनील आप बोलिए, बोलिए आप क्या नाम होगा पार्टी? कमंडी मक्खी। नहीं 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 बेटा आप, मैं प्रश्न तो आप सुनो मेरा कि यदि शेर को ध्यान में रखकर पाठ का नाम लिखा जाता तो क्या बनाया जाता नाम? हाँ शेर। नहीं पूर्वांश। मैम हम बताएं, मैम हम बताएं। पूर्वांश आप बोलिए क्या नाम होता पाठ का? पाठ का होता चतुर लोमड़ी। नहीं चतुर लोमड़ी तो हो गया, शेर को ध्यान में रखकर किया जाता तो नहीं पता। राम। मैम हम बताएं कौन है आप, अपना नाम बोलिए। यस मैम। हम बताएं वाला बच्चा अपना नाम बोले। जय मैम। जय, जय। हाँ बोलिए, चलिए जय बोल दीजिए, आपको नाम तो आया था आपने मुझे बताया नहीं। आपकी आवाज यानी क्या? परशान शेर। नहीं नहीं अभी भी नहीं। राम, राम बोलो। yes, बेटा क्या नाम हो सकता है राम इसका पाठ का यदि शेर को ध्यान में रखे किया जाए तो? नहीं। रितेश। yes, मैम। क्या नाम हो सकता था शेर का? बुद्धू शेर। नहीं। समर्थ। yes, मैम। क्या नाम होगा फिर बताइए, आपका फिर से प्रश्न आ गया। मैम बेवकूफ से। नहीं। शिवांश। मैम पागल से। नहीं। सूर्य प्रताप। मैम समझ, मैम चालाक शेर। मैम चालाक शेर। मैम समझदार शेर। मैम शेर और चूहे की कहानी। नहीं 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 चलिए देखिए अब ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, किसी और बच्चे को बोलना है क्या नाम? यस मैम। चलिए यस मैम वाला बच्चा बोले, कौन है? प्रतीका। हाँ बोलिए प्रतीका, बोलिए प्रतीका, बोलो। मैं बोलूं प्रतीक, मैं प्रतीका को बोल रही हूँ। प्रतीका, प्रतीका, सारे बच्चे माइक ऑफ करो, सारे बच्चे माइक, सारे बच्चे पहले माइक ऑफ करो, मैं कृतिका को बोल रही हूँ। कृतिका बोलो। नहीं। कियांशी। yes, ma'am. आप बोलिए नाम। yeah, चलिए देखिए मैम। हाँ बोलो कियांशी बेटा, आप ये आपके वहां कहता है आपकी आवाज क्लियर नहीं होती बेटा, ऐसा जगह चुनो जहां पर नेटवर्क हो आपके यहाँ। चलिए देखिए अब इसका आंसर मैं बता रही हूँ। आलसी शेर, आलसी शेर, आलसी शेर क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत आलसी था, वो नहाता नहीं था,
इसलिए ना नहाने के कारण जब गंदगी जहां होती है मक्खी वहीं पर जाती है, है ना। यदि वो नहाता नहीं, इसलिए वो आलसी है। आलसी कैसा है कि जैसे मक्खी बैठ गई, उसने जरा सा ऐसे अपना पंजा हिला लिया, मक्खी उड़ गई, तो मक्खी को भी मजा आने लगा उसको परेशान करने में, तो वो आलसी था। शेर तो बहुत ताकतवर होता है, ताकत होने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। यदि वो आलसी है तो कुछ भी नहीं होता। जैसे आप बच्चे हो, आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो, लेकिन जब आप आलस करोगे तो क्या होगा, आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। समय से काम करना चाहिए, समय से सारा काम होगा तो आप अच्छे रहेंगे, और आलस करेंगे तो आपका काम बिगड़ सकता है। चलिए अब ये अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। शीर्षक माने पाठ का नाम, टाइटल। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, ना मक्खी पर, ना शेर पर, ना हाथी पर, ना मकड़ी पर, ना लोमड़ी पर, किसी के बारे में नहीं होना चाहिए। मैम हाँ, किसी घटना के बारे में हो सकता है, किसी घटना के बारे में हो सकता है। तो चलो हाँ बोलो, क्या हो सकता है, क्या टाइटल हो सकता है एक नया, बोलो। मैम आज तो इंग्लिश मैम की क्लास होने वाली थी ना। किसकी क्लास होने वाली थी बेटा? इंग्लिश मैम की। फिर आज मैथ कैसे हो गई? बेटा मेरी ही क्लास है ये तो। कौन बोल रहे हैं आप? मैम फर्स्ट पीरियड। युगांशी जैन। युगांशी नहीं, फर्स्ट पहला पीरियड आपका रहा होगा इंग्लिश का, सेकंड पीरियड है। हमारे फर्स्ट पीरियड मैथ का था मैम। आज बेटा इंग्लिश का नहीं है, आज तो इसका ही है, हिंदी का ही पीरियड है, फ्राइडे हिंदी होता है आपका। मैम लेकिन एप्लीकेशन में तो यही आया था। नहीं बेटा एप्लीकेशन में ये कैसे हो सकता है, एप्लीकेशन नहीं है, टाइम टेबल बोलते हैं उसको। आपके पास जो टाइम टेबल पहुंचा है उसमें थर्ड सी का हिंदी है आज फ्राइडे। मैम और वो आज एक और क्लास थी। कौन सी क्लास थी बेटा? वो जो आपकी क्लास के ऊपर वाली जो लाइन थी। नया इनविटेशन आया क्या आज? यस मैम आज तीन इनविटेशन। इनविटेशन तीन आए हुए हैं आपके पास? यस मैम इनविटेशन तो तीन। चलिए आपके पास तीन इनविटेशन है तो मैं मतलब क्लास 5 मिनट्स और ज्यादा ही हो गया है, कोई नहीं। चलो मैं इसको अभी वापस आती हूँ, इसको स्क्रीन ना स्टॉप करती हूँ। अच्छा तो एक नया नाम सोच कर आएंगे आप लोग, मैं स्टॉप करती हूँ यहाँ पर, मीट पर पहुँचती हूँ, है ना। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे आ जाते हैं हम वापस। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, बहुत ध्यान रखना है। ये अरब भी था बच्चा, आप लोगों को एक नया नाम सोचना है इस पार्ट के लिए। कैसे सोचना है? मक्खी के ऊपर नाम नहीं होना चाहिए, मकड़ी के ऊपर नाम नहीं होना चाहिए, लोमड़ी के ऊपर नाम नहीं होना चाहिए, हाथी के ऊपर नाम नहीं होना चाहिए, शेर के ऊपर नाम नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो पाठ से किसी घटना से रिलेटेड हो। तो क्या ऐसा कोई पाठ है आपके पास, नाम सोच सकते हैं इस पूरे पाठ को समझ कर? कोई और नाम बता सकता है कोई बच्चा? मैम मैं बता सकती हूँ। हाँ बोलो बोलो कृतिका। मैं भी बता सकती हूँ। हाँ क्या बोला कृतिका, क्या बोला कृतिका, नाम बोला? मैम कुछ नहीं। अच्छा और कौन एक बच्चा बोला था मैं बता सकती हूँ? मैम मैम हाँ बोलो। हाँ योगांशिनी बताओ। मैम मैं बता सकती हूँ। हाँ बोलो योगांशिनी। मैम मैं बता सकती हूँ। बोलो ना बेटा, मैं बोल तो रही हूँ, बोलो। आपको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैम रैबिट एंड घोड़ा। अरे बेटा ये तो उसमें कोई है ही नहीं, रैबिट और घोड़ा तो है ही नहीं उसमें, फिर नाम कैसे बता सकते हो आप उसका, है ना। जैसे सोच कराना, नेक्स्ट पीरियड जब हमारा होगा तो आप लोग सोच कर आइएगा। ओके हाँ प्रद्योत बताओ। तेंदुए। अरे बेटा उसमें
वो पात्री नहीं है तो आप उसका नाम कैसे, उस पाठ में घटना से, उस पाठ से संबंधित होना चाहिए बेटा नाम, उस पाठ से संबंधित होना चाहिए। ऐसा थोड़े है कि कोई भी नाम रखोगे। पूरी पाठ को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, जैसे मैं एक उदाहरण दे देती हूँ, जैसे मक्खी ने सबके साथ गलत किया तो मक्खी भी जाले में फंस गई, तो क्या हुआ, जैसे को तैसा। मैम शेर नहीं, शेर नहीं, मैंने बोला मैं बताओ। हाँ बोलो यूजर्स। जैसे मैम होटल, मैं मुझे नहीं पता कि क्या होगा। चलिए कोई नहीं, आप लोग सब सोच कर आइए। मैं बताऊं, अब नेक्स्ट टाइम में सोच कर आना। प्रियांशी आप बोल रहे हो तो बोलो अभी, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास यदि है तो मैं करूंगी। सारे बच्चे अगली बार सोच कर आना इस पार्ट के लिए एक नया नाम, ठीक है। मैम हमारी पहले से ये मैथ्स की हो गई है। चलो शांति पाठ करें, जोन हैंड्स, क्लोजर आइज। शांति शांति शांति। साईराम मैम, बाय मैम।